नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर का ओपिनियन पोल। 7 चरणों के इस ओपिनियन पोल के हम दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। इस दूसरे चरण में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र की इन 10 सीटों के बारे में। इन 10 सीटों में बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहताश नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर की सीटें हैं। तो इन तमाम 10 सीटों पर हमारे ओपिनियन पोल आपके सामने आज हाजिर है और इन सीटों पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक और सुदर्शन जुड़ चुके हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बुराड़ी विधानसभा सीट की। सीधा चलते हैं आलोक के पास। आलोक, क्या समीकरण बन रहे हैं बुराड़ी सीट पर? बिल्कुल, देखिए प्रवेश, यदि बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो बिहार प्रदेश का है या फिर यूपी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूर्वांचल जो एक वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक है। और आपको ध्यान होगा कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, तो जाहिर तौर पर इस सीट पर तमाम लोगों ने, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम लोगों ने यहाँ के वोटर को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं उम्मीदवार का चयन किया है। जो मौजूदा उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं संजीव झा, उनको आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है क्योंकि वो यहां से सिटिंग विधायक थे। जबकि यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने ये सीट जेडीयू को दी है और जेडीयू की तरफ से शैलेंद्र कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी इस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ये सीट आरजेडी को दी है और आरजेडी की तरफ से यहाँ पर प्रमोद त्यागी जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये देखा गया है कि आखिर इस विधानसभा में जो वोटर का किस तरह का रवैया है और किस तरीके का वोटर है उसको ध्यान में रखा गया है। और बात करें यदि स्थानीय मुद्दों की तो जाहिर तौर पर मुद्दे वही हैं क्योंकि काफी निम्न वर्ग के लोग इस विधानसभा में हैं, तो वैसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजें, चाहे शिक्षा का मामला हो या फिर स्वास्थ्य की चीजें हो या फिर जो चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री दी जा रही हैं, उन चीजों का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। हालांकि मैनिफेस्टो में बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, उन लोगों ने भी कुछ फ्री चीजें देने की बात की है, मगर कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि यदि बीजेपी जो तमाम चीजें कह रही है वो पहले अपने जहां पर जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी लागू करके दिखाए, इसलिए भरोसा थोड़ा सा कम पब्लिक का जम रहा है। और इसीलिए पब्लिक ये कहती है कि आम आदमी पार्टी जो चीजें दे रही है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं लोगों का एक परसेप्शन बनता नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बहुत काम करता है और इसीलिए कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ काफी अहमियत दी जा रही है। जी प्रवेश जी, आलोक, सीधा चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन, कौन निकाल रहा है बुराड़ी की सीट? इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू प्रत्याशी शैलेंद्र जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संजीव झा जीत के मजबूत दावेदार हैं। तो बुराड़ी वाली सीट संजीव झा आम आदमी पार्टी निकाल रही है, तो पहला खाता जो है आम आदमी पार्टी का यहां पर खुल गया है। बात करते हैं दूसरी विधानसभा सीट की, जो कि है तिमारपुर सीट। तिमारपुर सीट के बारे में, उसके समीकरण के बारे में आलोक से जानेंगे। सीधा चलते हैं आलोक के पास। आलोक, बताइए क्या समीकरण बन रहे हैं सीट पर? बिल्कुल, देखिए प्रवेश, यदि तिमारपुर की बात करें तो तिमारपुर से क्योंकि मौजूदा जो एमएलए थे वो पंकज पुष्कर थे, मगर पंकज पुष्कर की पार्टी ने टिकट काट दी है और पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को यहां से पार्टी ने बतौर उम्मीदवार उतारा है। और यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने यहां के वोटर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ जो सिख वोटों की यहां पर संख्या है, तो जाहिर तौर पर सुरेंद्र सिंह बिट्टू को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अमरलता सांगवान को यहां से उम्मीदवार बनाया है, मगर क्योंकि अमरलता सांगवान का वो पार्षद हैं तो वैसे में कहीं ना कहीं वैसा जनाधार जाहिर तौर पर कुछ वोट बैंक का कांग्रेस पार्टी फायदा लेना चाहती है, मगर उतनी मजबूत कांग्रेस यहां दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वही मुद्दे वोटर्स की नजर में है और वोटर ये चाहता है कि तमाम जो चीजें हुई है या तमाम कौन कौन सी पार्टी कर सकती है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इस तरह के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे इस चुनाव में यहाँ पर चल रहे हैं। और मुख्य जो मुकाबला है यहाँ भी ऐसा नजर आता है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी कहीं ना कहीं होता नजर आएगा। जी जी आलोक, सीधा चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन, कौन सी पार्टी निकाल रही है ये सीट? यहाँ इस सीट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी खासी मजबूत स्थिति में नजर आती है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच
कड़ा मुकाबला है। तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक तिमारपुर की जो सीट है वो फंसी हुई है, किसी पार्टी को यहां पर स्पष्ट जीत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कड़ी टक्कर इस सीट पर होगी। आगे बढ़ते हैं अगली सीट पर, सीमापुरी विधानसभा सीट। सीमापुरी के बारे में सीधा चलते हैं आलोक के पास, आलोक से जानते हैं कि इस सीट पर क्या गणित बन रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, यदि बात करें सीमापुरी विधानसभा सीट की, तो सीमापुरी विधानसभा सीट से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम पर अपना विश्वास जमाया है। और यदि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने ये सीट एलजेपी को दी है, क्योंकि जो समझौता था उसमें पूरी दिल्ली में 70 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 2 आरजेडी को दी गई और 1 एलजेपी को दी गई। तो एलजेपी को ये सीट दी गई है। यहाँ से संतलाल जो है वो एलजेपी के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो वीर सिंह को यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर वोट करते हुए दिखेंगे। और तमाम चीजों के बीच में यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं सिटिंग जो एमएलए है गौतम, वो लोगों तक इस बात को पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं कि किस तरह के काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, और उसका एक असर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। जी प्रवेश जी, आलोक सीधा चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन, कौन सी पार्टी ये सीट निकालने में कामयाब हो रही है? सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अब तक जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो गए हैं, उनके बड़े नेताओं ने कैंपेन किया है, घोषणा पत्र सभी के सामने आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई है, लोगों का जो रुझान है वो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के जो राजेंद्र गौतम हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तीसरी सीट सीमापुरी भी आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। लगातार 3 सीट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। अब बात करते हैं चौथी सीट की, रोहतास नगर विधानसभा सीट की। सीधा चलते हैं आलोक के पास। आलोक बताइए इस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं? बिल्कुल, यदि बात करें रोहतास नगर विधानसभा सीट की, तो रोहतास नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सरिता सिंह, जो कि मौजूदा यहां से विधायक हैं, उन्हीं पर विश्वास जमाया है। और यदि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहां से जितेंद्र महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया है, और विपिन शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। जाहिर तौर पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी तरफ से प्रचार कर कहीं ना कहीं मुकाबले को कड़ा कर रही हैं, मगर इस मुकाबले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो काम हैं, जो जमीनी स्तर पर हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है, वो इस मैसेज को जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की विधायक हैं वो यहां से बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि तमाम जो काम है लोगों के बीच में वो चीजें दिख रही हैं, लोग उन कामों को पसंद कर रहे हैं, चाहे फ्री की जो चीजें हैं, चाहे बस में महिलाओं को फ्री करना, या फिर 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलना, 400 यूनिट तक हाफ मिलना, पानी का 20,000 लीटर तक फ्री होना, ये काफी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी को प्रभावित कर रही हैं। जी प्रवेश जी आलोक, अब सीधा चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन बताएंगे कि कौन सी पार्टी के खाते में ये सीट जा रही है। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से विधायक रही हैं सरिता सिंह, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 5 साल का उनका कार्यकाल सबके सामने है, और बिल्कुल लोगों ने उनको समझा है, लोगों को उन्होंने समझा है, लोगों के बीच में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूरी ताकत उन्होंने जीती है, इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत उन्होंने यहाँ पर लगा दी है। पार्टी के बड़े नेताओं की लंबी चौड़ी फौज इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार सक्रिय रही है जीत को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र के समीकरण और गणित को अगर हम समझेंगे तो साफ दिख रहा है कि यह विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। तो ये लगातार चौथी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। लगातार चौथी सीट जो ऐसी है जो आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर रही है। बढ़ते हैं आगे, पांचवी सीट सीलमपुर की ये सीट है। सीलमपुर की सीट के बारे में और इसके गणित के बारे में, इसके समीकरण के बारे में आलोक से जानेंगे। सीधा चलते हैं आलोक के पास। आलोक बताइए क्या समीकरण बन रहे हैं इस पर? बिल्कुल, यदि देखिए बात करें सीलमपुर विधानसभा सीट की, तो सीलमपुर विधानसभा सीट क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और जाहिर तौर पर उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी टिकटें भी दी हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से जो सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट को काटा है और अब की बार अब्दुल रहमान को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने यहां से कौशल मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है, और कांग्रेस पार्टी ने यहां से मतीन अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि मतीन अहमद का अपना एक राजनीतिक कद है, पहले भी वो यहां से विधायक बनते रहे हैं। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के दोनों मुस्लिम वर्ग से दोनों उम्मीदवार आते हैं, ऐसे में बीजेपी ने
हिंदू वर्ग में अपनी हिंदू समुदाय में अपने टिकट देकर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, और यदि यहां पर पोलराइज होता है तो जाहिर तौर पर मुकाबला काफी कड़ा हो जाएगा। वैसे में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है उन पर दारोमदार रहेगा, यदि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा वोटें लेते हैं तो सीधा जो नुकसान है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को होगा और उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। जी प्रवेश जी बिल्कुल आलोक, सीधा चलते हैं यहाँ पर सुदर्शन के पास। सुदर्शन बताइए किस पार्टी के खाते में जा रही है ये सीट? देखिए सीलमपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण काफी अहम रहने वाले हैं। वोटों के पोलराइजेशन की बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हो सकता है, कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बीच। कांग्रेस अगर आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होगा, और इस नाते यह कहा जा सकता है कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र पर पेच फंसा हुआ है आम आदमी पार्टी। तो ये सीलमपुर की सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये पांचवी ऐसी सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर रही है। बढ़ते हैं आगे गोंडा विधानसभा सीट पर। गोंडा विधानसभा सीट पर आलोक से जानेंगे कि क्या इस सीट पर क्या गणित है और क्या समीकरण इस सीट पर बन रहे हैं, बताइए आलोक। बिल्कुल देखिए प्रवेश, यदि गोंडा विधानसभा सीट की बात करें तो गोंडा विधानसभा सीट में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने श्रीदत्त शर्मा जो है जो की मौजूदा विधायक थे उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। वही बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने अजय महावार को अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की तरफ से विष्णु शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और तमाम जो चीजें हैं उनके बीच में यदि बात करें तो क्योंकि गोंडा जो विधानसभा सीट है वो काफी वहां पर निम्न वर्ग है, और ऐसी स्थिति में जो निम्न वर्ग है उसमें ये तमाम चीजें जो आम आदमी पार्टी की काफी लोकप्रिय हो रही है कि कहीं ना कहीं जो चीजें फ्री दी जा रही है उसको एक वर्ग ये मानता है कि ये काफी अच्छी चीजें हैं, इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं श्रीदत्त शर्मा अपना ये जो मैसेज है ये जनता तक पहुंचाने में कामयाब दिख रहे हैं। इसी तरीके से क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो असर दिखा रही हैं, इसीलिए ये नजर आ रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से एसटी शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम उम्मीदवारों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रवेश जी बिल्कुल आलोक, चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन बताइए क्या रिजल्ट है इस सीट पर? देखिए गोंडा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कामगार वर्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जो यहाँ पर इफेक्ट करता है सीधे सीधे चुनाव को वो कामगार वर्ग है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम किया है, पहले जो प्रत्याशी रहे हैं यहाँ के विधायक रेशिद शर्मा उन्हें ही दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा है, तो निस्संदेह उनका जो काम है वो बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो दावे और जो वायदे हैं वो भी यहाँ जो प्रत्याशी हैं अजय वो लगातार जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भीष्म शर्मा भी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के बीच में रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पिछले 5 साल हुए काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे श्रीदत्त शर्मा खासे अहम माने जा रहे हैं। वो सीधे सीधे दिख रहा है कि वो जीत रहे हैं। तो ये लगातार छठी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। छठी सीट गोंडा की सीट आम आदमी पार्टी सीधा सीधा यहां पर जीत रही है। 6-0 से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगली सीट पर, बात करते हैं बाबरपुर विधानसभा सीट की, अहम सीट है। सीधा चलते हैं आलोक के पास। आलोक बताइए बाबरपुर में क्या समीकरण बन रहे हैं? बिल्कुल देखिए बाबरपुर विधानसभा सीट की यदि बात करें तो बाबरपुर से क्योंकि गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने काफी मार्जिन से जीता था और तमाम जो चीजें हैं उसके बीच में एक बार फिर से उनको यही इसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और नरेश गोड को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अन्वीक्षा त्रिपाठी जैन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। मगर इन तमाम उम्मीदवारों के बीच में यदि बात करें तो गोपाल राय ने वहां पर जमीनी स्तर पर जो काम किए हैं उनकी लोग कहीं ना कहीं प्रशंसा कर रहे हैं, और लोगों का ये कहना है कि गोपाल राय की विधानसभा सीट पर वैसे काम हुए हैं जैसे लोगों ने डिमांड की है। जाहिर तौर पर गली बनी है, नालियां बनी है या फिर पानी मिला है, उस तरह के जो मुद्दे जो कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिनके बार बार व्याख्यान करती है कि आम लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, आम आदमी के लिए काम हुआ है, तो जाहिर तौर पर उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं लोगों में असर दिखाई देता है। और इसीलिए यही इस विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहां से गोपाल राय जो है वो बढ़त बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल आलोक, सीधा चलते हैं अब सुदर्शन के पास। सुदर्शन बताइए मंत्री जी की सीट है, क्या लग रहा है इस सीट पर, कौन पार्टी इस सीट को निकाल रही है?
देखिए बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा गोपाल राय है। दो और प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरेश गौड़ हैं, कांग्रेस के अंकिता हैं, लेकिन अगर उन सबके सामने देखेंगे तो गोपाल राय बड़ा चेहरा है। गोपाल राय पहले विधायक रहे हैं, आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, और अगर बात की जाए काम की तो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी की नीतियों के अनुसार तमाम जो सुविधाएं, तमाम जो दावे हैं वो खरे नजर आते हैं। उन्होंने निस्संदेह इस इलाके के अंदर अच्छा काम किया है, लोगों के साथ लगातार संवाद रहा है, जिसका असर इस चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के नेताओं के तमाम प्रचार के बावजूद इस सीट पर गोपाल राय जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी, तो बाबरपुर की सीट जो है वो भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। लगातार ये सातवीं ऐसी सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा जमा रही है। बढ़ते हैं आगे, आठवीं विधानसभा सीट गोकलपुर। गोकलपुर सीट की बात करते हैं आलोक से। आलोक से जानते हैं कि क्या इस पर समीकरण बन रहे हैं, बताइए आलोक। देखिए बात करें यदि गोकलपुर विधानसभा सीट की, तो यहां से आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक थे उसका पार्टी ने टिकट काट दिया है और उनकी जगह सुरेंद्र कुमार को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने रणजीत कश्यप को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने एसपी सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और तमाम जो स्थिति है उसके बीच में यदि मुद्दों की बात करें तो जो स्थानीय मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जीवन को प्रभावित करते हैं, आम आदमी जो है उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, वैसी स्थिति में वो तमाम मुद्दे जनता के बीच में दिखाई देते हैं। जनता जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनके बीच में बिजली, पानी, सड़क, इस तरह की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर, क्योंकि तमाम जो काम हुए हैं वो इस विधानसभा में भी लोग ये कहते हैं कि शिक्षा में वैसा बदलाव देखने को मिला है या फिर हॉस्पिटल में उस तरह का बदलाव देखने को मिला है, तो लोग जो है उनका एक मूड दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं रुख उनका इस विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। जी प्रवेश जी आलोक, सीधा चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन, कौन सी पार्टी इस सीट को निकालने में कामयाब दिख रही है? देखिए गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मैं फिर से आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मुद्दे उतने प्रभाव नहीं छोड़ सके हैं जितना आम आदमी पार्टी के लोकल मुद्दे प्रभावी रूप से नजर आते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के स्थानीय मतदाताओं ने उतना रुझान नहीं दिखाया है। आम आदमी पार्टी के तरफ से यहाँ जो दावे किए गए हैं, यहाँ जो काम किए गए हैं उसके आधार पर जो पार्टी के नेता यहाँ वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं वो लोगों के बीच में ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कुमार जीत रहे हैं। यहाँ भी आम आदमी पार्टी, ये आठवीं ऐसी सीट है जो लगातार आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। अब तक आठ सीटों का हमने ओपिनियन पोल आपको बताया है, इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, बढ़त बनाई हुई है। बात करते हैं अगली सीट की जो कि मुस्तफाबाद सीट है। इस सीट पर बीजेपी जो है पिछली बार जीती थी और इस बार भी बीजेपी के विधायक को ही टिकट मिला है। सीधा चलते हैं आलोक के पास, वो बताएंगे इस सीट का समीकरण इस बार क्या बैठ रहा है। बिल्कुल प्रवेश, यदि बात करें मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की तो ये वो सीट है जो 2015 की लहर में बीजेपी ने हासिल की थी, क्योंकि पूरी दिल्ली में तीन सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते थे, उसमें से एक मुस्तफाबाद की सीट थी जहां से जगदीश प्रधान विधायक बने थे और एक बार फिर से बीजेपी ने जगदीश प्रधान को ही यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। और बात करें यदि आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने हाजी यूनिस को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने अली मेहंदी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटों का, तो जाहिर तौर पर उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने वैसे उम्मीदवार उतारे हैं, और जबकि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से जगदीश प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया है। और कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें यदि पोलराइज होता है तो जाहिर तौर पर वैसी स्थिति में ये जो सीट है एक बार फिर से कहीं ना कहीं, क्योंकि मुकाबला यहां पर खड़ा हो सकता है और वैसे मुकाबले में यदि पोलराइज होता है तो बीजेपी के जो उम्मीदवार है जगदीश प्रधान वो यहां से बढ़त बनाते हुए दिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल आलोक, सुदर्शन बताएंगे, सुदर्शन किस पार्टी के खाते में जा रही है ये सीट? देखिए मुस्तफाबाद की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जगदीश प्रधान यहां से जीते थे चुनाव और लगातार पिछले 5 साल जो है उन्होंने कड़ा मुकाबला किया है आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा के अंदर। लगातार हर मुद्दे पर जो है तीखी नोक झोंक जो है दोनों दलों के बीच में रही है। वर्तमान की बात करें तो पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो हाजी यूनुस यहां से चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने दोबारा से अपने पूर्व MLA जगदीश प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है। जगदीश प्रधान जो है खासे मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़े हैं, लेकिन
ये कहा जा सकता है कि दोनों ही दल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला है। देखना यह होगा कि हाजी यूनुस जीत की तरफ बढ़ते हैं या जगदीश प्रधान फिर से अपनी जीत को दोहराते हैं। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर राहत की खबर है, अच्छी खबर है कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट बीजेपी निकालने में कामयाब दिख रही है। तो ये पहली ऐसी सीट है इन 9 सीटों में जो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। कांग्रेस अभी भी कहीं नहीं है, कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। 10वीं सीट की बात करते हैं, करावल नगर विधानसभा सीट, कपिल मिश्रा यहां से थे फिर छोड़कर चले गए। अब ये सीट जो है दुर्गेश पाठक यहां से लड़ रहे हैं, अहम सीट है। सीधा चलते हैं आलोक के पास। आलोक बताइए इस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, देखिए करावल नगर विधानसभा सीट के जो राजनीतिक हालात हैं, क्योंकि यहां से पिछली दफा 2015 में उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से कपिल मिश्रा को उतारा गया था, वो यहां से विधायक बने थे, मगर बाद में जिस तरह का घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से उन्होंने बागी होकर पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए, और बीजेपी ने भी करावल नगर सीट से ना उनको उम्मीदवार बनाकर मॉडल टाउन से उनको उम्मीदवार बनाया, तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक, जो कि पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, पार्टी की जो रणनीति होती है उसमें दुर्गेश पाठक का एक बड़ा भूमिका रहती है, तो जाहिर तौर पर दुर्गेश पाठक को यहाँ से बतौर उम्मीदवार उतारा गया है। और कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो अरविंद सिंह को यहाँ बतौर उम्मीदवार उतारा गया है। ऐसे में दुर्गेश पाठक के बीच में और मोहन सिंह बिष्ट के बीच में एक कड़ा मुकाबला होने की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं हम ये आपको बताएंगे कि जिस तरह की इस विधानसभा सीट की पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक हालात हैं या जो वोटर कहता है, वैसे में कहीं ना कहीं एज मिलता हुआ साफ तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट को दिखाई दे रहा है। जी आलोक, सीधा चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन, कौन निकाल रहा है ये सीट? देखिए करावल नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों के ही प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी है चुनाव जीतने के लिए। तीनों ही पार्टियों ने अपने तमाम जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में रखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद यह स्पष्ट होकर के उभरा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट जीत रहे हैं। तो करावल नगर सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है, ये लगातार दूसरी ऐसी सीट है जो बीजेपी के खाते में जा रही है। हम आपको बता दें कि इन 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया, इन 10 सीटों में 8 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में सीधा सीधा जाती दिख रही है। वहीं 2 सीटें जो हैं मुस्तफाबाद और करावल नगर, ये 2 सीटें बीजेपी जीतने में यहां पर कामयाब हो रही है। तो कुल मिलाकर हमने आपको अपने दूसरे चरण का ओपिनियन पोल दिखाया, ये उसका रिजल्ट था। 8 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीटें बीजेपी, कांग्रेस का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। फिलहाल दूसरे चरण में हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए द भारत खबर।